मिसेज नान साहिबा का सवाल है कि सर मुल्की हालात पर क्या किया जाए जहां हम बिल्कुल ही गैर महफूज हो गए हैं, क्या गलत को गलत नहीं कहना चाहिए? देखिए, बात यह है कि मुल्की हालात के ऊपर जो तबसरा किया जा सकता है वो मैं इस मजलिस में कर नहीं सकता, इसलिए कि पहले ही बड़े फसादात पैदा करने वाले लोग मौजूद हैं। देखिए, बदकिस्मती से जो किरदार मेरा आपका घरों में है, बेईमानी, झूठ, फरेब, धोखा, अपने मकासद के लिए हर चीज़ को इस्तेमाल कर लेना, जायज़ नाजायज़, इस वक्त हमारी लीडरशिप उसकी बेहतरीन मिसालें कायम कर रही है। और नहायत तकलीफ़ दे बात ये हुई कि हमने अपने मुल्क का ख्याल नहीं रखा। जज्बात एहसासात अपनी जगह होते हैं, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन जज्बात और एहसासात को हदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। लोगों की जान, माल, आबरू इसका तकद्दस है, इसको महफूज रहना चाहिए हमारे हाथों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बहुत मशहूर फरमान है कि मुसलमान वो है जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो हमने तो पता नहीं क्या कुछ कर दिया। जब भी इस तरह का एहतजाज हो ये गलत है। दूसरी बात, ये समझनी चाहिए कि हमारी कौम जानवरों का एक गल्ला है, इस गल्ले को तालीम व तरबियत की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में पिछले कोई 60-70 साल से हमने अगर कोई काम नहीं किया तो वो यही नहीं किया। इस वक्त जो नस्लें पल के आ रही हैं उनको माँ बाप तरबियत नहीं करते हैं, उनको टेलीविज़न और सोशल मीडिया तरबियत करता है। मैं जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमें वालदैन ने तरबियत किया था, और मेरे बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको टेलीविज़न तरबियत कर रहा है। मैंने ज़िंदगी में एक ही फ़िल्म देखी है जो जिसको कहना चाहिए देखना। उसमें एक हीरो ने कानून को हाथ में लेकर विलन की वो ठुकाई की, तो उसको जान से मार डाला और अपना मकसद पूरा कर लिया उसने। तो मैंने कहा कि ये सबक है इसका। इस वक्त सड़कों पर जो कौम निकली थी सारे वही हीरो थे, कानून की परवाह किए बगैर अपने मकासद को आपने पूरा करना है। बंदा मोमिन को ये इजाज़त नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले, ये सरकशी है, फसाद है, बगावत है। तो तालीम और तरबियत की बहुत ज़रूरत है। और बाकी रह गया, जो आपने बात की है कि महफूज हैं कि नहीं हैं, तो महफूज तो हम पहले भी नहीं थे। तो बस अपना ख्याल रखें, दाएं बाएं गुफ्तगू करते हुए एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त जो सियासी फ़ज़ा है उसमें एक फ़िरकाबंदी की सी नौइयत, जिसको कल्टिज़म कहते हैं, वो कुछ पैदा हो गया है। ये लीडर ने ज़रूरी नहीं पैदा किया हो, या किसी सियासतदान ने ज़रूरी नहीं पैदा किया हो, कौम की फ़ज़ा ही ऐसी। जब कौम जाहिल होती है तो ऐसी होती है। तो मेरा सारा तवज्जो इस बात पर है कि जो लोग निकले, जो नहीं निकले, उनके अंदर जहालत पाई जाती है, और उस जहालत की वजह से ये इकदामात होते हैं। जहालत ऊपर भी पाई जाती है, मैं लीडरों की नफ़ी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असल मेरा हदफ कौम है, कोई पार्टी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। तो लीडर भी उसी कौम में से निकले हुए हैं। तो जहालत का बेहतरीन इजहार हुआ है पिछले चंद दिनों में, पिछले 4-5 सालों से हो रहा है, लेकिन बहरहाल कुछ नुमाया इन दिनों में हुआ है। कानून को हाथ में लिया गया है, मेरा ख्याल है हुकूमत को इसका हक हासिल है कि वो सख्त कार्रवाई कर सकती है, और अवाम की, उनके माल की, स्टेट के हिफाजत के, उसके रिट को कायम करने के लिए सख्त इकदाम कर सकती है। उसको जवाब हासिल है जो इस वक्त हुआ है, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। बाकी मैंने ये एक भी वीडियो देखी और उसके साथ तराना जोड़ा गया था कि एक जगह पे आग लगी हुई है और उसके आगे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये जो अल्लाह ताला ने यहाँ जुमला बोला है ना कि नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक़ और मगरब की तरफ रुख करो, बिल्कुल वही जुमला बोला जा सकता है कि नेकी ये नहीं है कि लोगों का सामान जला कर नमाज पढ़ो, ये नेकी नहीं है। ये झूठ की नमाज है, फरेब की नमाज है। ऐसी नमाज़ों से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको सामने रखें, अपनी हिफाजत खुद करें। पाकिस्तान में इस वक्त ना कोई हुकूमत है, ना गवर्नर्स है, बस अल्लाह ताला हमारा सबका हामी और नासिर हो। लेकिन मुझे और आपको जहालत से निकलना है, सही इकदाम, सही रवैया, सही सोच रखनी चाहिए जनाब।
सर, जालिम बादशाह के सामने कलमा हक बुलंद करने से क्या मुराद है? और इंसान मुसलमानों के ऊपर बाज़ुकात इस तरह, किसी मुसलमान के ऊपर बाज़ुकात इस तरह की ज़िम्मेदारी आ जाती है कि अगर वो कलमा हक ना कहे तो हक बिल्कुल नाबूद हो जाएगा। ऐसे मौके पर अगर कोई आदमी ये पोजीशन इख्तियार कर जाए या उसकी हैसियत ये हो कि उसके बात करने से मामला ठीक हो जाएंगे, हक का दिफा होगा, तो फिर उसको कलमा हक कहना चाहिए, फिर उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत इब्तदाई ज़माने में अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का जो इकदाम था, उन्होंने उनके ज़माने में एक ईसाई मुतकल्लमीन ने यह मसला पैदा कर दिया था कि कुरान मजीद कलमतुल्लाह है तो ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, तो अतीसा भी कलमतुल्लाह हैं तो वो भी अल्लाह की मखलूक नहीं हुए तो अल्लाह के बेटे हो गए, ठीक है। ये उन्होंने एक मसला पैदा कर दिया। मोतज़िला ने कहा कि नहीं, कलाम भी मखलूक होता, तो पूरी उम्मत को ये मजबूर किया गया कि वो ये तस्लीम करें कि कुरान मजीद मखलूक है, ठीक है। तो अहमद बिन हम्बल उस वक्त अहले सुन्नत के बड़े लोगों में थे, तो उनसे जब ये कहा गया तो उन्होंने कहा कि भई ना मैं इकरार करता हूँ ना इनकार करता हूँ, किताब व सुन्नत से कोई दलील ले आए तो मैं मान लेता हूँ, यही जुमला बोलते रहे। तो इब्ने कसीर ने लिखा है कि अगर जितने कोड़े इमाम अहमद बिन हम्बल की कमर पर लगे हैं, अगर इतने कोड़े हाथी पर मारे जाते तो हाथी बोल पड़ता। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता, कोई अल्लाह की किताब से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बात ले आओ तो मान लेता हूँ मैं, तुम्हारी वजह से मैं कुरान को मखलूक कैसे कह दूँ। तो अहमद बिन हम्बल की कमर पे बड़े बड़े घड़े पड़ गए थे, वो कोड़े लग लग के गोश्त उड़ता रहा। तो जब उनको इलाज मुआलजे के लिए छोड़ा गया तो उस ज़माने के एक हकीम, हमारे यहाँ साइंस नई नई डेवलप हो रही थी, तो चूँकि जदीद साइंस के बानी हम हैं, अगरचे यूरोप उसका देता है क्रेडिट, तो हमारे एक हकीम ने यह तजुर्बा किया कि गाय का कीमा लेकर अहमद बिन हम्बल को ज़ख़म में भर दिया। वो उनका ख्याल था कि ये भी गोश्त है, वो भी गोश्त है, टेस्टी था ना एक, तो शायद जिसम उसको कबूल कर ले अहमद बिन हम्बल का। लेकिन वहाँ कैंसर हो गया, तो इमाम अहमद बिन हम्बल की जो वफ़ात है उसी कैंसर से हुई है, तकलीफ़ के साथ। तो ये कलमा हक कहना है। कलमा हक जाबिर हुक्मरान के सामने कहने का मतलब ये है, हम जो कलमा हक कहते हैं वो गली बाजार में कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुल्क के मुआशी हालात की वजह से बहुत सी फैमिलीज़ मुल्क को छोड़ के बाहर जा रही हैं, वहाँ जाकर उन रोज़ी में तो बेहतरी आ जाती है, मुआशी हालात उनके बेहतर हो जाते हैं, लेकिन अक्सर औकात उनके जो बच्चे हैं वो इस्लाम से दूर हो जाते हैं, तो उन वालदैन में एक सेंस ऑफ गिल्ट रहता है कि कहीं ना कहीं हमने माल को कमाने की तरजीह में अपने बच्चों की वो यानी कि उस माशरे में रहकर उतनी अच्छी तरबियत नहीं हो पाई, तो क्या उनको आखिरत में पूछा जाएगा कि आपने माल को क्यों तरजीह दी, वापस क्यों नहीं आ गए, या फिर एक उम्र होती है वहाँ तक ही बच्चों की आप तरबियत कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते? ये तो लाजमन पूछा जाएगा कि आपने बच्चों की तरबियत क्यों नहीं की, और वो पाकिस्तान में रहते हुए नहीं की तब भी पूछा जाएगा, कमाने में लगे रहे बच्चों को क्यों नहीं पूछा, और हाँ यूरोप में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल चीज़ है कि मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने पूरी की कि नहीं की। पैसा कमाएं जहाँ चाहें जाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम ज़रूरी है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि यही पाकिस्तानी जब वहाँ जाते हैं या यहाँ होते हैं तो स्कूलों में पढ़ाने में कभी कोताही नहीं करते, क्या करते हैं? ये मसला असल में तरजीह का है। हमने सारा जो पूरा जो माहौल है हमारा, असल में एक बड़ी तब्दीली है जो पिछले 200-300 साल में आई है, यूरोप में 1600 से ऑनवर्ड आई है, 1600 AD से, और हमारे यहाँ अंग्रेज़ के आने के बाद आई है। खैर, मैं वो एक मोटा सा फ़र्क है इसलिए कह रहा हूँ, वरना शाह अब्दुल्ला साहब जो हैं वो किताब लिख रहे हैं हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा और जदीद ज़माने के सवालों का जवाब दे रहे हैं। अभी अंग्रेज़ की हुकूमत नहीं आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो आ चुकी है, लेकिन वो जवाब दे रहे हैं, सवाल पैदा हो गए हैं। और उससे पहले चले जाएँ कोई दो एक सदी, तो इमाम शातबी वो जवाब दे रहे हैं,
जो सवालात आज पैदा हो रहे हैं उनके जवाब वो उस वक्त दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके माशरे में सवालात पैदा होने शुरू हो गए थे। नबी अकरम सल्लम की पेशींगोई के मुताबिक 1000 साल जब आपके बाद पूरे होंगे तो शैतान छोड़ दिया जाएगा। ये इल्हामी ज़ुबान का एक जुमला है। इसका मतलब यह है कि मज़हब का जो ग्रिप थी वो सोसाइटी पे ख़त्म हो जाएगी और मादियत की ग्रिप आ जाएगी। पहले मैं और आप मज़हब से जुड़कर सोचते थे कि इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है। अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अब मज़हब नहीं है असल में, अब असल चीज़ दुनिया की तरक्की है, कामयाबी है। अब इस्लाम को भी इसी नज़र से देखा जाता है। अच्छा, मुसलमानों ने क्या कारनामे किए, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, कितने साइंसी इजादात की, क्या फ़ायदा हुआ उसका, मुसलमान होने का फ़ायदा क्या है, जंगें, लड़ाइयाँ, फितने, ये सवाल है। तो क्या किसी और मज़हब के अलावा कभी किसी वजह से जंग नहीं हुई? इस वक्त जो जंगें हो रही हैं वो क्या मज़हब की वजह से हो रही हैं? कश्मीर की लड़ाई, बोस्निया की लड़ाई, फ़लस्तीन की लड़ाई, ये मज़हब की वजह से हुई है? कभी भी मज़हब की वजह से लड़ाई नहीं होती, वो कौमें लड़ रही होती हैं, किसी वजह से भी लड़ सकती हैं। तो असल चीज़ ये है कि अब हमारा जो पिछले 400 साल से माहौल है वो आखरत का नहीं रहा, दुनिया का हो गया हुआ है। तो इसलिए मेरे जैसे आदमी को भी इसके होता है फिक्र कि मेरा बेटा बड़ा होकर कमाएगा क्या। तो ये असल में तब्दीली ये हुई है, इसमें बाहर जाने से, मुल्क में रहने से फ़र्क नहीं पड़ता। इसको दोबारा वापस करना है कैसे, ये नामुमकिन है, क्योंकि दरिया इतनी तेज़ी से बह रहा है कि सारे एक ही तरफ भागे चले जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई उक्का दुक्का नफीस इंसान खड़ा हो सकता है वो, तो बस बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी कि ऐसा होगा। लेकिन एक भाव है 400 साल से यूरोप को लेकर बह गया है। यूरोप में मज़हब अब मजाक है, हमारे यहाँ भी, और मेरा ख्याल है 100 साल गुजरेंगे तो मज़हब के नाम लेने वालों का मजाक उड़ाया जाएगा, तुम कौन पुरानी मखलूक उठ के आ गए। तो ये टाइम आने वाला है, और इसी ज़माने के बारे में ये पेशींगोइयाँ हैं कि लोग काफिर होंगे, ईमान बेचेंगे, ईमान छोड़ेंगे, अक्सरियत कुफर इख्तियार करेगी, तो वो वक्त आ रहा। तो इसलिए उस मसले को एड्रेस करना चाहिए कि मैं मुसलमान बनूं, नेक बनूं आखिरत के लिए, उसके बाद फिर कमाऊं। हमारे मुसलमान कमाते रहे हैं, क्या मुसलमानों में अरबपति लोग पैदा नहीं हुए थे, फैक्ट्रियाँ नहीं लगी थी, काम नहीं हुए थे, हुए थे, सब कुछ हुआ था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हमारे यहाँ, लेकिन ये कि वो नेक रहते हुए थे। अब नेक रहना एक सेकेंडरी चीज़, पहले वो असल चीज़ होती थी। नेक रहना यानी कि मज़हब का इल्म सीखा जाए, ये ज़रूरी नहीं है। नेक रहना, नेक बच्चों को नेक बनाना। मुझे अपने बचपन में याद है, मेरी वालदा को इसकी बड़ी तकलीफ़ होती। मैं एक दफ़ा ना किसी दोस्त का जूता पहनाया, क्यों, क्योंकि उसका छोटा भाई मेरा जूता पहन कर चला गया, तो मैंने फिर उसका जूता पहन के घर आया, तो मेरी वालदा ने आते ही 20-25 सवाल दाग दिए, किसके हैं, कहाँ से लिए हैं, क्योंकि मुझे जेब खर्च नहीं मिलता था। उन्होंने कहा कि किसी के चोरी कर लाया है, चूँकि बहुत नए जूते थे, तो उन्होंने मुझे कुछ, जब तक उनकी तसल्ली नहीं हो सकी रुकी नहीं है। लेकिन अब आप जो मर्जी कमा के ले आएँ, बस कमाई करनी चाहिए आपको। तो ये ज़माना तब्दील हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और बदल जाएगा। तो बस कोशिश करनी चाहिए कि हम नेक बने आखिरत के लिए, उसके बाद फिर जब नेक बनेंगे तो बच्चों की फ़िक्र भी होगी। हम जो नेक बनते हैं वो भी ज़ाहिरी बनते हैं, मार मार के बच्चों को नमाज़ पढ़ाते हैं, वो बागी हो जाते हैं। जो नेक घराने हैं वो इस तरह के हैं, वो भी एक बदकिस्मती है। मेरे इर्द गिर्द कितने ही लोग हैं जानने वाले जिन्होंने अपने बच्चों पर सख्ती की, अब वो छुप छुप के गुनाह करते हैं, वालिद साहब के नमाज़ पढ़ते हैं, फ़ायदा क्या हो? नेक बनाना है, जो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नेकी क्या है, वो पैदा करनी है। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, गर्दनें छुड़ाने से मुराद क्या हम कर्ज़दार जो होते हैं आम हालात में या मोहल्ले में रिश्तेदार, उनको भी ले सकते हैं? सर, बिल्कुल ले सकते हैं। अक्सर लोग सूद खाते हैं तो हमें लगता है कि इनकी मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सूद भर रहे हैं। ज़्यादातर जो कंसेप्ट है यही है कि देने वाला और लेने वाला दोनों ही मतलब गुनाहगार हैं, तो उसकी मदद नहीं करते हम, तो उनकी भी की जा सकती है? जी, गुनाहगारों की मदद की जा सकती है, अल्लाह के बंदे हैं, आपकी मदद करने से वो सूद खाने खिलाने से बाज आ जाएंगे, और क्या चाहिए आपको, मजबूरी से दे रहे होंगे।
और सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि बुराई का बदला जो बुराई से ही दिया जाता है, ज़्यादातर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि ये बुरे लोग हैं, रिश्वतखोर हैं, चोर हैं या गलत हैं, तो इस पर हम कैसे ख़ुद को उभारें कि अच्छा रवैया ही इख्तियार करना? देखिए, जो जो कुछ भी आपके साथ होता है, अगर आप अल्लाह पर ईमान रखती हैं तो क्या अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर होता है? मसलन आपके भाई ने आपको धोखा दिया, अल्लाह की मर्ज़ी थी कि नहीं थी कि वो धोखा दे सके? जब अल्लाह की मर्ज़ी थी तो इसलिए वो दे सकने में कामयाब हुआ। जब वो धोखा देने में कामयाब हुआ है तो अल्लाह ने होने दिया, अल्लाह ने होने दिया है तो फिर आपके भाई का कसूर कम है, अल्लाह का दिया हुआ मौका ज़्यादा है। अल्लाह ने आपके भाई को धोखा देने का मौका क्यों दिया? सबसे अहम सवाल यही है। अब आपने ऐसा जवाब देना है अपने भाई को कि जो असल में अल्लाह को जवाब देना है, तो क्या जवाब देंगे? आपका भाई आपके साथ जुल्म ज़्यादती करे तो ऐसा जवाब देना है कि आप आपने अल्लाह के एक बंदे को भेजे हुए को आपने रिस्पॉन्स देना है, तो वो जवाब दीजिएगा जो कल क़यामत वाले दिन आपको कामयाब कर दें। बस असूल एक ही है। उसके बाद देखिए कि आपके लिए गाली के जवाब में गाली देना, इतराज़ के जवाब में इतराज़ करना नामुमकिन हो जाएगा। लोग बड़े आराम से बैठ के नीयतें तय करते हैं, उनके इरादे तय करते हैं, नहीं कर सकेंगे। जब आपको पता होगा कि ये हरकत इसने की है और अल्लाह ने होने दी है, अल्लाह ने उसको मोहलत दी है कि मेरे साथ वो ये हरकत कर जाए, तो फिर आप अल्लाह की मोहलत में खड़े, अल्लाह को जवाब देना। तो अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने दुश्मन को वो जवाब दीजिए कि कल आप खुदा को इत्मीनान दिला सकें कि मैंने सही किया था, अल्लाह ने आपको बदला लेने की इजाज़त दी है, लेकिन बस उतना ही जितना उसने आपको नुकसान पहुँचाया, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं और आप खुदा के इम्तिहान गाह में हैं, भाई के घर में नहीं है। ये आयत 177 जो है, इसमें जो कैटेगरीज हैं जिनको माल दे सकते हैं, तो ये कैटेगरीज जैसे डिफाइन हुई हैं इसमें, तो मेरी ओपिनियन ये है कि इसमें ये शर्त भी है कि आप हतुल इम्कान तहकीक भी करें कि वो यतीम को अगर दे रहे हैं तो आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि वो यतीम है या मस्कीन है या साहिल। अगर उसके बग़ैर अगर आप बांटते रहेंगे तो ना उसका ना ज़िम्मेदारी आपकी पूरी होगी और ना माशरे पे उसका वो असर होगा जो कि मकसूद। बड़ी अच्छी बात है, ये इसका ख्याल करते हुए ज़रूर काम करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो साहिल बन के आ गया है उसका साहिल होना साबित हो गया। बस यानी मुझे आप अपने बारे में सोचिए कि सड़क पे खड़े हो सकते हैं हाथ फैलाकर, तो बस वो साहिल बन गया। सैकड़ों हजारों खड़े, हाँ, तो वो क्यों साहिल बने हैं? कोई सबब तो है उसके पीछे, खा वो किसी ग्रुप के फंसाए हुए गरीब फकीर हों, तब कोई सबब है जिसकी वजह से वो बने हैं। तो बस अल्लाह के साहिल आ गए हैं, आप मदद कर सकते हैं कर दीजिए, नहीं कर सकते तो ठीक है। यानी आ जाके सिर्फ यही आपको तय करना है कि यतीम है तो यतीम की मदद कर दीजिए, कोई रिश्तेदार है उसकी तहकीक आपको पता ही होता है रिश्तेदारों का, तो बस कैटेगरी का तो तयन करना ही पड़ेगा। लेकिन मसलन जैसे मैंने खुद कहा कि नशे ही को ऐसे नहीं पकड़ा देना कि नशा करो जाकर, नहीं, उसका इलाज करवाइए बजाय इसके कि उसको। इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहिलीन के लिए एक उसवा कायम किया है कि उनको ऐसे ही पैसे ना दे दिया करें, उसे पूछे मसला क्या है, उसको कारोबार करा दें, उसको कोई काम करवा दें ताकि वो साहिल वाली कैफियत से निकल जाए। तो असल में इस तरह का ये बिल्कुल ठीक है, इतनी तहकीक तो होनी चाहिए, हर एक को, हर मांगने वाले को नहीं उठाकर दे देना चाहिए। आप देखें कि भाई वाकई मसल मैं बच्चों को नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, यही लफ्ज़ बोलता हूँ कि तुम्हें मांगने नहीं आना चाहिए, मैं बच्चों को नहीं देता, कह देता हूँ उनको। इस तरह जो चौकों में फ़कीर खड़े होते हैं मैं उनको नहीं देता, ये सोचे समझे असूल पर नहीं देता, लेकिन बाज़ का शक्ल सूरत देख के तरस आ जाता तो दे देता। तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तहकीक करें।
वो ये कि हम अक्सर रिश्तेदारों में जानते हैं कि ये मेहनत नहीं कर रहे जानबूझ के, मतलब इस तरह के हालात इन्होंने बनाए हुए हैं, उनकी मदद करना अक्सर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हालात जानते हैं उनके, जानबूझ के वो कर रहे हैं, जबकि सवाब भी उधर ही है। देखिए मेरे ख्याल में ये हमारा गलत असेसमेंट होती है। मेरे भी बाज़ अजीज़ ऐसे हैं कि हम यही समझते हैं कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत कर सकते हैं, वो सही अकल से काम नहीं लेते। ये खुदा के फैसले हैं। कितने बेवकूफ़ हैं जो अरबों में खेलते हैं, कितने गैर मेहनती हैं जो अरबों में खेलते हैं। मैं ऐसे चंद नौजवानों से वाकिफ़ हूँ कि आप उनके पास चले जाएं, हर मसले का हल बताएंगे आपको। आप कारोबार का पूछें, कारोबार करवा देंगे, खुद नकम्मे होते हैं। ऐसा नहीं, खुदा की तकदीर का फैसला है कि उनको कर ही नहीं पा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, घर बैठा रहे फारिग, तो वो एक अलग चीज़ है, उसको आप तंबीह कर सकते हैं, तवज्जो दिला सकते हैं, लेकिन बाद अपने मिजाज के एतबार से वो काम करने के लोग ही नहीं होते, तो वो मुआशरे के लिए आजमाइशी सवाल है। उनका ताबुन करना चाहिए, उनके साथ ताबुन कैसे करना है उसके लिए अच्छे रास्ते इख्तियार करने चाहिए। आदि नहीं बना लेना चाहिए कि वो पैसे मांगने वाले बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, आज मैंने तीन बातें नोट की ना, इबादत, शरीयत और नबूवत पर। तो मैं अपने क्वेश्चन का आगाज़ इस मिसाल से करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कमरा बना लूँ और मैं कहूँ कि मुझे आराम के लिए मैंने कमरा बना दिया, और फिर बाद में कहूँ कि मुझे आराम की ज़रूरत नहीं, तो इस तरह हमें बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान और दूसरे मखलूकात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और फिर हमें अल्लाह ताला कहता है कि मुझे इबादत की ज़रूरत नहीं। दूसरा सवाल ये कि शरीयत, दो हस्तियाँ हम अगर ले लें, अल्लाह और इंसान, दोनों का नेचर कॉन्स्टेंट है, सही है, तो अल्लाह ताला अपना ईमानियात जो है वो कॉन्स्टेंट रख रहा है, लेकिन शरीयत हर नबी के साथ बदल रहा है, तो इसका क्या जवाब है? तीसरा, नबूवत, नबूवत के लिए क्या क्राइटेरिया अल्लाह ताला देखता है, जेनेटिक्स या मतलब उस शख्स का अपना किरदार? उस शख्स का किरदार। तीन सवाल आपने इकट्ठे कर दिए। पहला सवाल क्या था? मतलब हाँ जी, देखिए उस आयत का जो तर्जमा है कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें, बदकिस्मती यह है कि अरबी ज़ुबान के बहुत सारे अल्फाज उर्दू में भी वही बोले जाते हैं, उसका मतलब वही हो जाता है जो उर्दू में होता है। उस आयत का सही ठेठ तर्जमा क्या होगा कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मुझे खुदा माने, ठीक है, असल मानी उसके ये है, लेकिन तर्जमा क्या किया जाता है कि वो मेरी इबादत करें। उसके बाद जो ज़िंदगी दी उसमें इबादत हो सकती है? सवाल पैदा होता है ना कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, तो जो ज़िंदगी दी है उसमें कमाना है, खाना है, तो हकीकत आयत जो बता रही है वो ये है कि हर सूरत में इबादत ही इबादत है, असल काम यही है। अगले जुमला बोला है कि मैंने इसलिए पैदा किया कमाए, आगे जुमला बोला अल्लाह ताला ने, तो फिर तो कमाना नहीं चाहिए, बैठ के सबको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। उस आयत का सही तर्जमा है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मुझे खुदा मानकर मेरा माबूद बने, मेरा आबिद बने। तो जैसे वाले साहब आपको कहें कि मैं देखो मेरे बेटे बन के रहो, बाप ना बनो मेरे, इसका क्या मतलब होता है? कि सारा दिन पाँव दबाते रहो? तो पाँव दबाना वहाँ पेश नज़र नहीं है, लेकिन आप अगर अपने वाले साहब के पाँव दबा रहे होंगे तो मैं कहूँगा सही बेटा है, ये एक चीज़ है उसकी। तो नमाज पढ़ना इस बात का इजहार है कि मैं खुदा को खुदा मान रहा हूँ, वाले साहब के पाँव दबाना इस बात का इजहार है कि मैं उनको बाप मान रहा हूँ, बस ये अलामतें हैं। तो हमने एक तर्जमा कर दिया ख़राब, दूसरा इस वजह से हुआ। दूसरा क्या सवाल था? शरीयत। हाँ जी, शरीयत क्यों तब्दील होती है? जी बिल्कुल, बस आपने जो खुद ही अल्फाज अच्छे बोले हैं, जो चीज़ें इंसान के अंदर कांस्टेंट हैं उनके लिए वो चीज़ भी कांस्टेंट होगी। तो ईमान, इंसान की नेचर एक जैसी है, खुदा हकीकत में एक है, तो वो कांस्टेंट रहेगा।
लेकिन इंसान की जो तबद्दुन है, जो उसका कल्चर है, जो उसकी सिविलाइजेशन है, वो कांस्टेंट नहीं है। इसलिए शरीयत बदलती रहेगी, उसका भी एक हिस्सा नहीं बदलता। जिसमें वो कांस्टेंट है वो नहीं बदलता। नमाज़ पढ़नी है, पढ़ते रहेगा। पुराने ज़माने में नमाज़ पढ़ना मुमकिन था आज भी, लेकिन आज कुर्बानी करना अल्लाह को पता था मुश्किल हो जाएगा, तो फ़र्ज़ कुर्बानी छोड़ के नफल कर दी गई। इस तरह से शरीयत तब्दील हुई। ग़ुलामी के लिए, ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए यहूद के लिए कानून और था, हमारे लिए कानून ग़ुलामों को आज़ाद करने का और है, क्योंकि हमारे ज़माने के हालात और हैं। तो जो चीज़ तमद्दुन के साथ जुड़ी हुई है, सिविलाइजेशन के साथ, कल्चर के साथ, उसको अल्लाह ताला ने कांस्टेंट नहीं रहने दिया। और शरीयत के वो हिस्से जो भी ख़राब नहीं होंगे वो कांस्टेंट हैं। नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, कभी भी मसला नहीं होना। जब तक इंसान यही है रोज़ा रख सकता है, जब तक इंसान यही है उसको घुटने ठीक हैं, उसके बाजू ठीक है, नमाज़ पढ़ सकता है। हाँ, उसमें आदमी इस काबिल नहीं रहा कि नमाज़ पढ़ सके। अल्लाह ताला कहते हैं लेट के पढ़ लो, अल्लाह ताला कहते हैं सवारी पे पढ़ लो, खड़े खड़े पढ़ लो, पैदल चलते हुए पढ़ लो। अल्लाह ने बयान किया, यानी पैदल चलते हुए आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, अंदाज़ा करें। यानी उसको कैफियत ऐसी है कि दुश्मन का हमला है, वो रुक नहीं सकता कहीं पर, उसे चलते रहना, रुकेगा तो मारा जाएगा। कहा चलते चलते नमाज़ पढ़ लो। तो ये इंसान के हालात, ये खुदा की मेहरबानी है। अगर इंसान शरीयत बनाते कुरान मजीद वाली, तो कांस्टेंट बना देते, मुसीबत पड़ जाती, आप चल ही नहीं सकते थे। हज़रत आदम से जो शरीयत चली आ रही होती, मुसीबत बन गई होती अब। यानी आप देखें ना कि बेटा पैदा हुआ, कुर्बानी करनी है, शादी की है, कुर्बानी की है, वलीमा जिसको हम कहते हैं, बेशुमार कुर्बानी, फसल काटी है, कुर्बानी करनी है, आपने कोई खुशी आ गई आपके घर में, कुर्बानी करनी है, करके दिखाई इतनी कुर्बानियाँ। पुराने ज़माने में ठीक था, आज ठीक नहीं, अल्लाह ने नरमी कर दी उसमें। तो ये खुदा की वो मेहरबानी है कि हमारे तमद्दुन, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उन चीज़ों में शरीयत भी, कुर्बानी रखी है कि कुर्बानी इबादत है, नफली तौर पे कर सकते तो कर लो, नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, जज्बा रहना चाहिए। तीसरा क्या था? हाँ जी, देखिए, जेनेटिक तो कोई चीज़ नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीन्स वही थी जो हज़रत अली की थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की थी, कोई फ़र्क नहीं था, जो मेरी आपकी हैं। लगता यह है कि अल्लाह ताला, एक जुमला अल्लाह ताला ने बोला है, अल्लाह ताला ने असूल नहीं बताया, अल्लाह ताला ने कई असूल नहीं बताए, वो अपने साथ उसने ख़ास रखे हैं। मसलन उसने नहीं बताया कि मैं कौमों को कैसे चुनता हूँ, इस वक्त अमेरिका को क्यों चुना है, मुझे नहीं बताया, कुरान खाली है इससे। लेकिन ये कहा है कि मैं जब चुन लेता हूँ तो जवाल का शिकार उसको करता हूँ जब वो अपने असल तरीके से हट जाते हैं। ठीक है, तो कौमों को उठाने का क्या असूल है, नहीं बताया गया। ऐन मुमकिन है कि सिर्फ तकदीर हो कि पहले अफ्रीकी उठेंगे, फिर अरब उठेंगे, फिर यूरोपी उठेंगे, याजूज माजूज उठेंगे, फिर यानी चीनी जापानी उठेंगे। हो सकता है अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी हो बस, कि अपनी प्लानिंग इस तरह से की अल्लाह ताला ने, मुमकिन। ऐसा ही अंबिया के बारे में दोनों चीज़ें मौजूद हैं। कोई नबी भी अपने किरदार में बुरा नहीं था नबूवत से पहले, कोई भी नहीं। कुछ का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जुमला बोला है, कानत कानत उम्मतन कानत, हज़रत इब्राहिम अपनी ज़ात में ही पहले दिन से ही जवानी में ही बिल्कुल सही रास्ते पर थे। और जब कल्बे मनी, वो एक मानने वाले रिक्कत वाले दिल के साथ अल्लाह ताला के हजूर हाज़िर हुए जब उनको नबूवत मिली। ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से सादक रमीन माने जाते थे, और तमाम अंबिया का यही मामला है। तो किरदार भी है और वो तकदीर जिसको मैं कह रहा हूँ वो भी है, कि आमना के घर में जो लाडला पैदा होना था उसे नबी बनना था, ये आदम के ज़माने में लिख दिया गया था। लेकिन वो अपनी ज़ात ही में, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि नबी सल्लम का किरदार उसके मुताबिक ना होता तो नबूवत ना मिलती। सर, YouTube मोनेटाइजेशन के बारे में सवाल है कि जो YouTube से पैसे कमाते हैं, जैसे अल मौरिद का चैनल भी कमा रहा है, सारे बहुत से चैनल्स कमा रहे हैं, इनको रोक देते हैं आप कहते हैं तो? नहीं नहीं, मैं आपकी पूछ रहा हूँ। तो उसमें दो रवैये हैं, दो राय हैं उलमा की। एक कहते हैं कि एड्स आती हैं, एक तो आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैं उनको कैटेगरी बता सकता हूँ कि फर्नीचर की ऐड देनी है,
यूट्यूब वालों को, लेकिन यूट्यूब वाले फर्नीचर की ऐड किस तरीके से देते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यानी कि औरत का इश्तिहार में लेके आए उसको, उसकी ड्रेसिंग वगैरह ये इख्तियार में नहीं होता हमारे। फिर ऐसे कि अब जो फ़िका हनफी वाले हैं वो इसके अंदर एक हीला करते हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 20% ऐसी एड्स होंगी, 80% ठीक होंगी। जो 20% एड्स हैं उनको आप निकाल दें और पैसे किसी को दे दें, और उसको आपको स्वाप की नीयत से ना दें, बस उसको पाक करने के लिए अपने माल को। और बहुत जो अहले हदीस हैं और भी मुख्तलिफ उलमा हैं वो कहते हैं बिल्कुल ये हराम है, क्योंकि इसमें वो वाली आयत से लेते हैं कि नेकी के काम में तावन करो, बुराई के काम में तावन ना करो। तो ये दो रवैये हैं, अभी इन दोनों में से कौन सा रवैया ठीक है या दोनों ठीक? आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि वो बुराई के काम में तावन ना करो। तो बस ठीक है, अमल करें। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, इस तरह के जितने भी एप्लीकेशन के सवालात हैं इसमें आप ज़िम्मेदार हैं, मेरे कहने से कोई चीज़ हलाल हराम नहीं होगी, या लिख कर रख लीजिए। ना अहले हदीस के कहने से वो हराम हुआ है, और ना देवबंदियों के कहने से वो 80% आपके लिए जायज़ हुआ है। आपका फ़ैसला है, आपका ज़मीर मुतमैन है, आपका दीन मुतमैन है, तो ठीक है, वगर ना मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, मुझे कोई पता नहीं, लेकिन आपका फ़ैसला है कि आपको क्या इत्मीनान है इसके ऊपर। आप जब पूछ रहे हैं तो इसलिए कि दोनों पर इत्मीनान नहीं आपका, ठीक है ना? तो आप सोचते रहिए, मुझे भी बता दीजिए कि आपने क्या सोचा है, तो मैं उस पर अमल कर लूँगा। देखिए, दीन के बारे में ये याद रखिए कि मैं सिर्फ़ उन चीज़ों में फतवा दे सकता हूँ, मेरा असूल है, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, कि जहाँ पर मुझे कुरान या हदीस की रोशनी में बता दिया गया हो कि ये हलाल है या हराम है, और मैं आसानी से उसको एनालाइज करके, एनर्जी ड्रा करके उसके नीचे ला सकता हूँ कि ये क्यास के मुताबिक ये उसी तरह की चीज़ बन। मसलन दीन में शराब हराम की गई है, तो मैं हेरोइन को भी हराम करा दे सकता हूँ, बिल्कुल वाज़े है। कुछ जगह वाज़े नहीं होती हैं, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तलकीन ये है कि मुश्तबे चीज़ को छोड़कर वाज़े की तरफ आ जाओ, मुश्तबे चीज़ छोड़कर वाज़े की तरफ आ जाओ। लेकिन ये फ़ैसला कि ये मसलन आप रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं, आपकी नमाज हो जाती है बस, यही आपने यहाँ काम करना है कि मेरी कमाई हलाल है कि नहीं है। अगर आप हर नमाज के बारे में ये तहकीक करना शुरू कर दें अहले हदीस और देवबंदियों के पास जाकर के आपकी नमाज हो गई है कि नहीं हो गई, तो काम ख़राब हो जाएगा। आप हर रोज़ फ़ैसला करते हैं मेरा वज़ू हो गया है, हर रोज़ फ़ैसला करते हैं मेरी नमाज़ हो गई है, ऐसा ही आपने ही फ़ैसला करना है कि ये कमाई मेरी जायज़ है कि नाजायज़ है। मेरे ख़्याल में जितनी एहतियात आप कर सकते हैं कर लीजिए। मेरे पास अगर आप कभी आएँ तो मैं एक डिक्शनरी इस्तेमाल करता हूँ ऑनलाइन, अरबी की डिक्शनरी है, अलमाने के नाम से, वो इतने वाहियात इश्तहार साथ लगाए होते हैं तो आदमी कहाँ कहाँ बचेगा। एक अमू में बलवा होता है, तो अहनाफ़ का एक असूल है जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही, मैं उनकी बात समझा देता हूँ आपको। अमूम बलवा होता है एक तसव्वुर उनके, अमूम बलवा का मतलब है कि एक चीज़ इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई बचना मुमकिन नहीं। उसकी एक मिसाल देते हैं वो कि बारिश हो रही है और सड़क पर कीचड़ है, अब आपने मस्जिद की नमाज़ के लिए जाना है तो लग जाएगा कि नहीं लगेगा? तो कहते हैं कि बस इतना थोड़ा बहुत जहाँ बचना मुमकिन है बच जाएँ, जो लग जाए कोई बात नहीं, आप नमाज पढ़ लीजिए। ये अमूम बलवा है। इस वक्त उनका जो फतवा है ये अमूम बलवा के असूल पर है कि इतना मसला बन गया है कि कोई इश्तहार वाहियात हुए बगैर आता ही नहीं है, तो कितना बचेंगे कि आप कमाई करना छोड़ दें? अब कह रहे हैं कि चलो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके इश्तहार कितने फ़ीसद बुरे हैं, हाँ आप चले वो निकाल दीजिए। तो उन्होंने एक रास्ता बताया, आपका इत्मीनान है तो बड़ी अच्छी बात है। तो असल उनकी बात समझ लें कि वो ऐसे नहीं कह रहे हैं, उनका एक असूल है, और अहले हदीस उनका असूल ज़ाहरी है कि ज़ाहरी तौर पर जो चीज़ नाजायज़ है सो नाजायज़ है, जो जायज़ है जायज़ है, वो फकाहत में जाते नहीं हैं। तो दोनों का बिल्कुल वाज़े है। अब आपका अपना फ़ैसला होना चाहिए कि आपको अहनाफ़ की बात दुरुस्त लग रही है। मसलन कीचड़ में मैं किसी अहले हदीस से पूछूंगा कि बारिश हुई हो और जाते हुए उनके पांचे को कीचड़ लग गया है, तो क्या वो नमाज़ पढ़ेंगे कि कपड़े बदलने जाएँगे? नमाज़ पढ़ उस वक्त इसको कबूल किया जाता है। तो जब अमूम बलवा की बात होती है कि आम बचना मुमकिन नहीं रहा, इतना आम हो गया है कि अब बचना मुमकिन नहीं, तो उस वक्त फिर नरमी की जाती है। उन्होंने इसलिए तो आपको ये जवाब दिया, तो बाकी फ़ैसला आपका होगा। असूल दोनों ही ठीक है, बिल्कुल आप बच के रह जाएं, नहीं मैं हिस्सा नहीं लूँगा,
बिल्कुल ठीक असूल है, और वो भी ठीक है कि अब बचना मुमकिन नहीं है तो जितना हम समझते हैं कि पाकिजगी के लिए हो जाए कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अलमारी की क्लास के रेफरेंस से सर एक क्वेश्चन था जिसमें अकीदा की बहस हो रही थी, और उसमें ये बताया था कि अकीदा की टर्म से अहादीस और सहाबा के असर बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। असल में ईमानियात वो टर्म है जो ज़ेर बहस आती है उनके नज़दीक भी। कुरान मजीद और अहादीसे और हदीस जबील का भी जिक्र किया गया था, और इसमें भी स्पेशल के जुज़वियात जो हैं उनको हम यानी अकीदा या मानिया से ताबीर नहीं करेंगे, जैसे ज़ुल्करनैन का वाक़िया, असहाबे कहफ़ का वाक़िया, इसमें ही बहस नहीं की जाएगी कि ये भी अकीदा है कि नहीं है। तो सर जो पांच ईमानियात बयान हुई हैं तो उनमें तो अकीदा ख़त्म नबूवत इस तरह सराहतन बयान नहीं हुआ, तो क्या ईमान ख़त्म नबूवत के अकीदा के बगैर भी मुकम्मल है? देखिए पहले ये बात फ़र्क समझ लें कि अकीदा किसको कहा जाता है और कुरान की बातें किसको कहा जाता है। ख़त्म नबूवत कुरान की बात है, जो नहीं मानेगा वो कुरान की एक आयत का इनकार करता है तो मोमिन कैसे रह सकता है। लेकिन ख़त्म नबूवत या अकीदा किसको कहते हैं? अकीदा वही है जो यहाँ अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। अकीदे हमारे पांच हैं। अब कुरान मजीद में ज़ुल्करनैन का जिक्र है तो जो इनकार करेगा ज़ुल्करनैन का वो काफिर है, क्योंकि उसने कुरान की एक आयत का इनकार किया। ये एक अलग बात है, लेकिन ज़ुल्करनैन अकीदे का हिस्सा नहीं बनेगा या असहाबे कहफ़ अकीदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, जो इनकार करेगा असहाबे कहफ़ का वो असल में एक आयत का इनकार करेगा। दोनों बातों में फ़र्क है। मुसलमान होने के लिए किन बातों को मानना ज़रूरी है? ज़ुल्करनैन को, बस अकीदा इसको कहते हैं कि मुसलमान और गैर मुसलमान में किन बातों को मानने से फ़र्क पैदा होगा। वो क्या चीज़ें हैं? वो पांच चीज़ें हैं। अल्लाह पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है, किताबों पर ईमान है, नबियों पर ईमान है। ये पांच चीज़ें। तावील कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो इनकार नहीं कर रहा मुसलमान। तो अकीदा इसको कहते हैं। अकीदे में सारी चीज़ें शामिल नहीं होती, वरना तो ये भी अकीदा हुआ कि सूरह अल बकरा का आगाज़ अलिफ लाम मीम से होता है। तो एक आदमी को हमने आज मुसलमान किया, पहले उसको ये 6666 आयतें मनवा लें पहले, ये अकीदा नहीं होता। अकीदा एक अलग चीज़ है, और कुरान में जो आई बातें उसको मानते हैं, वो बाज़ तावील करनी पड़ती है, बाज़ को समझना पड़ता है, बाज़ को समझाना, वो अकीदा नहीं होता। लेकिन कोई आदमी जानते बूझ जाएगा कि कुरान में आया तो क्या हुआ, मैं नहीं मानता, अब वो काफिर। एक आदमी तावील कर रहा है वो भी काफिर नहीं होता। आयत के मानी बताते हुए कहता है मैं इसको, मसलन असहाबे कहफ़ में जो खिज़र अलैहिस्सलाम है उसके बारे में हमारे यहाँ तीन ओपिनियन है। एक लोग उनको वलीउल्लाह मानते हैं हज़रत खिज़र को, एक लोग उनको फरिश्ता मानते हैं, और एक लोग बस कोई बाबा जी राज आब हयात ढूँढने वाले। तो ये तीनों ओपिनियंस, तो बस ठीक है, आप खिज़र अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर मिसेज अदनान साहिबा का सवाल है कि अहदे अलस में जो जोड़े बनाए गए थे, मुझे लगता है कि वो हमारी आज़ादी और इख्तियार से जो हमने सेलेक्ट करने थे वो ही बना दिए गए थे, क्या मैं सही समझी हूँ? माशाल्लाह जी, आपको नई इतलात मिलने लग गई है, तो ठीक। ये क्यास ऐसा ही है जी, क्यास के अतबार से हम यही बात कह सकते हैं कि जो उस वक्त जोड़े बनाए गए थे वो हमारे इख्तियार आज़ादाना इख्तियार से ही बने होंगे। जो ये ना कि तुम्हारे मैंने तुम्हारी पुश्तों से निकाला, तो पुश्तों से तो जोड़ों के बगैर ही निकल सकते हैं। हाँ, ये क्या है, जाहिर है कि क्या सी रायत, लेकिन इम्कान इसी का है इंशाल्लाह। सर समी साहब का सवाल है, वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों के सामने खामोश रहना चाहिए या नहीं, क्या ये अदब है? अगर हम उनके सामने खामोश रहेंगे फिर तो वो हमें बेवकूफ़ समझने लगेंगे। तो इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? कोई अक्लमंद हो तो उसको फ़िक्र नहीं करना चाहिए कि लोग बेवकूफ़ समझेंगे, ये बेवकूफ़ को फ़िक्र होती है कि उसको लोग बेवकूफ़ समझेंगे। सर अब्दुलरहमान साहब का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए जिससे वो नेक होती चली जाए वक्त के साथ साथ। बड़ा मुश्किल सवाल है जी। देखिए पहला बात यह है कि जो चीज़ इख्तियार करनी है वो उनकी फितरत को डैमेज ना होने दें, पहला काम जो करना है आपने। आपके घर का माहौल ये होना चाहिए कि बच्चे अपनी फितरत के मुताबिक चल सकें।
अगर आपने उनकी फितरत को ख़राब करने की कोशिश की तो वो फिर कभी भी नेक नहीं होंगे। फितरत से मुराद यह है कि उनके अंदर जो अखलाकी शऊर है उसको कायम रहने दें, जो उनके अंदर अकीदे का शऊर है उसको कायम रहने दें। मैं और आप पैदाइशी तौर पर जैद आलिम होते हैं, पैदाइशी तौर पर सारे इंसान, लेकिन हम उनको जाहिल बना देते हैं। तो हम उनसे अखलाक छीन लेते हैं, हम उनसे मसलन आम घरों में ये बात होती है कि जाओ बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है उसको कह दो कि वाले साहब घर नहीं है, आपने फितरत डैमेज की है उसकी। तो उसकी फितरत को ख़राब नहीं करें, उसकी फितरत का साथ दें। सच्चाई उसको पसंद है, सच्चाई पर कभी सच्चाई पर सजा ना दें, हमेशा याद रखें। और कभी भी बुराई के ऊपर समझाने का अमल ना छोड़ें, और कभी भी सिर्फ डांटे नहीं, वजह बता के डांटें कि भाई मैं तुम्हें क्यों डांट रहा। खाली डांट से बच्चों को समझ नहीं आती हो क्या गया हमारे साथ। अभी कल तो इस बात पे खुश हो रहे थे, आज डांट पड़ रही है, बच्चों को नहीं पता चलता। तो बच्चों के जहन की तामीर के लिए ज़रूरी है कि आप समझाने का अमल सीखें। डांटना कोई चीज़ नहीं, डांटते जाहिल लोग हैं, समझाते अच्छे लोग समझाते हैं। तो समझाने का बताएं कि भाई ये बात मैं क्यों तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ना किया करो, उसकी वजह बताएं उसको। ये तीन चीज़ें अपने रवैये में इख्तियार कर लें तो इंशाल्लाह बच्चे खुद ही नेक हो जाएंगे। बच्चे नेक ही पैदा होते हैं। वो किसी अदीब का जुमला है कि बच्चे बड़े अच्छे होते हैं लेकिन अफसोस है कि बड़े हो जाते हैं। सोबिया भट्ट साहिबा का सवाल है, वो कहती हैं कि कहा जाता है कि याफिस की औलाद के इक्तदार का दौर चल रहा है, क्या हम भी इसमें शामिल हैं? ये तो आपको तहकीक करनी पड़ेगी जेनेटिक्स वालों से पूछकर। लेकिन दौरे इकदार उनका है तो हम इसमें बिलाशुबा उन्हीं के दौरे इकदार में जी रहे हैं। लेकिन मैं याफिस की औलाद में से हूँ या नहीं, ये तो फैसला हमारी जी नहीं करेगी। यूरोप में मैंने सुना है, अमरीका और यूरोप में, कि अब वो बता देते हैं कि आपकी माजी में किस ख़ानदान से जुड़े हुए हैं, तो अपना DNA भेज दें उनको, वो आपको बता देंगे। तो वक्त हो गया जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे तो अगले सोमवार को मुलाकात होगी। वाह आखिर दावा अलहमदिल्ला।